सावधान हो जाएं। रोहतक में सम्मोहित कर महिलाओं को ठगने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। रोहतक के सुनारिया गांव में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं को सम्मोहित कर लाखों रुपए के गहने ठग लिए गए। पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन बेचने वाली दो महिलाओं ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गहनों के साथ साथ शादी में मिले बर्तनों को भी ये महिलाएं ठग ले गई। बहरहाल पीड़ित महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिलाओं ने कहा, दिहाड़ी मजदूरी कर एक एक पैसा जमा कर ये गहने बनवाए थे, जिन्हें इन महिलाओं ने ठग लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी दोनों महिलाओं के विश्वास में आकर उसने अपनी सोने की बाली, अंगूठी, चांदी की पाजेब और मंगलसूत्र दे दिया। पीड़िता की मां ने भी अपनी सोने के बाली और अपने रिश्तेदारों के सोने के लॉकेट भी इन ठग महिलाओं को दे दिए। इसके बाद आरोपी महिलाओं ने कहा कि अब उनकी कंपनी के लोग आएंगे और महिलाओं को उनकी कंपनी का सोना सौंप देंगे। मम्मी तई कपड़ा दिया, मम्मी तई खोल कर दिखा दिया, कंटी देखो आपके पास हो तो ऐसा कपड़ा दे दो। मम्मी बोली ना जी बेबे मार पे को नहीं है इसे लते यार, बलांटी दे दो कोई हो तो ढूंढ कर दे दो। मम्मी ने बोली मेरे तो दूर कर ले इसने, हम ना हाथ लगाऊ और ना बोले आंटी एक बार देख तो वहां से लेकर यहाँ तक लेकर आई उसने कपड़े ना, हम सारी जनी इस पे बैठे थे, उसने बेरानी के कर ऐसा। मम्मी ने अपना ओम कन्ना के काट कर दे दिए उसने, फिर वो आ गई हुआ पिंकी बैठी थी उसने भी नुए निकाल दिया अपनी सारे गहने, फिर मन ने भी निकाल दिए नाक की बाली भी संदूक मैं तभी निकाल कर दे दी मैंने उससे, पैरों के पजेब चुटकी गढ़ का ओम अंगूठी। अच्छा जब आप निकाल रहे थे आपको नहीं पता था क्या कर रहे हो? पता नहीं जी, मैं तो बाज का संदूक में तभी निकाल के लेकर आई। सर यहाँ गांव में दो लेडी जी आई थी गहने बेच, वो पुराने बर्तन दे रही थी नए, हमारे ले जाके पुराने बर्तन और नए बदल रही थी, तो उन्होंने दो तीन दिन ऐसा किया, फिर वो हमसे हमारे गहने बदलने के लिए बोलने लगे, कहने लगे कि हमें छाप लेनी है और तुम्हें कंपनी कुछ नाम देगी। तो ऐसे वो पहले मेरे देवर के घर से सारे गहने चुरा कर ले गए, फिर वो मैं यहाँ इनके मेरे पड़ोस में इनका घर है, फिर वो मेरे घर पे गए मुझसे भी यही बातें कहने लगे। फिर मैंने मेरी शादी में जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे बर्तन, जैसे पीतल की परात, टोकनी और बाल्टी, मेरा शादी का ओम, मेरी सिस्टर जो मेरे साथ रहती है उसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी, उसने भी यही सारी चीज़ें दे दी और वो हम दोनों से भी लेकर चली गई यहाँ से। पता नहीं क्या था उनके पास, वो एक कपड़ा ले रखे थे जो हमें दे देती थी और जैसे ही हम उस कपड़े को हाथ लगा रहे थे तो निकाल के दे देते थे अपने सारी चीजें। मेरे दो बर्तन बेचने वाली जो दो लेडी जाती थी और उन्होंने बर्तनों के बदले बर्तन देने के बहाने ये आई और मेरे साथ हमारे घर में आके बेरा निके कुछ सुगाया हमको और हमारे बाड़े ओम मंगलसूत्र गुट्ठी पजेब चुटकी ये सब ये लेके चले गए वे, और हम वे सौ दिन ही हुई जी के कुछ ही सा कुछ कर दिया हमें, ओस नहीं रहा हमको, ओस नहीं रहा। ये 21 तारीख की बात है जी, उनके उन्होंने कुछ पुलिस में कंप्लेंट करवाई तो पुलिस वाला ने वो कार्रवाई नहीं करी कि एप्लीकेशन खुद लिखो नो करो और ना ऑनलाइन करी जी उनने, हमें इतनी कुछ वो नहीं होया हमारा, कुछ कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के उसमें भी। महिलाएं थी और कैसे हुआई? महिलाएं हम सात आठ जनी थी जी, और हमारे घर में हम पांच लेडीज थी और ये अड़ोस पड़ोस की थी जी। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया है कि मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और थाना शिवाजी कॉलोनी में मामला दर्ज किया जा चुका है। ये मामला सुनारिया गाँव का है, केवल इतना ही नहीं शहर के कई अन्य इलाकों में भी ये घटनाएं घट चुकी हैं। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि अपराधी लूट और ठगी के नए नए तरीके निकाल कर लोगों को ठग रहे हैं। अब सम्मोहन कर लोगों को ठगने का अलग तरह का मामला सामने आया है, जिसे अपनाकर जिले के दर्जन भर लोगों को ठगा गया। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले साइबर क्राइम के भी काफी मामले सामने आए थे, लेकिन लोगों की जागरूकता और पुलिस की कार्रवाई से ये मामले अब कम हो गए हैं। जी देखिएगा, पिछले कई दिनों से शहर में भी और गांव में भी जैसे आपने बताया कई शिकायतें हमें प्राप्त हुई है, सिटी पुलिस स्टेशन में भी हुई है और सुनारिया पुलिस स्टेशन में भी हुई है, जो कि अभी जो कंप्लेंट रिसेंटली एक दिन पहले ही सुनारिया पुलिस स्टेशन में जो हुई है उसमें बकायदा कंप्लेनेंट ने लिखा था कि एक औरत थी बर्तन बेचने वाली जो कि उसके घर पे आई और कुछ देर तक वो बात करती रही और उसके बाद उसके जेवर वगैरह जो अंगूठी वगैरह थी वो उसने उतरवा ली। ऐसी शिकायत हमें प्राप्त हुई है जिसमें कि मौके पर हमारे SHOs और IUs भी गए हैं, जो मुख्यतः बात कहीं ना कहीं सम्मोहित करके लूटपाट करने की घटना प्रतीत हो रही है। अभी गहराई से इसकी जाँच कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी रोहतक वासियों से और आमजन से अपील करना चाहूँगा
ये किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करें। गांव में ऐसी जब भी घटनाएं आए तो सरपंच और पंच से एक बार वेरीफाई जरूर करें चीज़ों का, और तुरंत ऐसी घटना घटने के बाद पुलिस के जो आपके नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है उससे कॉन्टैक्ट करें और तुरंत हमें सूचना दें ताकि इन घटनाओं को हम रोक सकें। फिलहाल पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। रोहतक से सत्य खबर के लिए दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।